नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल SB मेडिसिन में। आज अपन बात करेंगे इकोस्प्रिंट गोल्ड 20 mg कैप्सूल के बारे में। इकोस्प्रिंट गोल्ड 20 mg कैप्सूल को USV कंपनी बनाती है, जिसकी जो प्राइस है वो है ₹117 पर पैक। ये 15 कैप्सूल के पैक में होता है, जिसमें जो कंटेंट डाला गया है वो है एटोरवास्टिन 20 mg, क्लोपिडोग्रेलोगस में 75 mg और एस्प्रिनोथस में 75 mg। इसका यूज आप स्पेशली अपनी सलाह से करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये कैप्सूल आपको डॉक्टर के प्रिस्क्राइब पे सभी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। इकोस्प्रिन गोल्ड 20 mg कैप्सूल को खून के थक्के जमने और हार्ट के संबंधित जुड़ी हुई समस्याओं के इलाज में कहते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करने में हेल्प करता है। और भी आपको एंजाइना यानी हार्ट के संबंधित सीने में दर्द की समस्या है, हार्ट अटैक की स्थिति बन रही है, स्ट्रोक के लक्षण लग रहे हैं, हार्ट फेल्यूर वाली कंडीशन बन रही है, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज है, एट्रियल फाइब्रिलेशन है, एरिथमिया की समस्या है, इरेगुलर हार्ट रेट की समस्या है, या फिर आपको कावासा की डिजीज है, तो ऐसी सभी समस्याओं में इसका यूज काफी इफेक्टिव है। जिन लोगों को पहले हार्ट अटैक आ गया है या फिर जिनको हल्की सी शिकायत लग रही है और डॉक्टर ने आपको सर्जरी तक कर दी है, तो बाद में यह दवा आपको स्टार्ट भी वो कर सकते हैं, क्योंकि ये दवा क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल के हाई लेवल को कम करता है और TG के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। इसमें जो एटोरवास्टिन है वो एक लिपिड को कम करने वाली दवा है, जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले जो जरूरी एंजाइम होते हैं उनको ब्लॉक करने का काम करती है। ये खराब कोलेस्ट्रॉल LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कम करती है और गुड कोलेस्ट्रॉल HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाने में हेल्प करती है। इसमें जो क्लोपिडोग्रेल है और एस्प्रिन है, ये दोनों एंटीप्लेटलेट है, जो प्लेटलेट को आपस में चिपकने से रोकते हैं और ब्लड के हानिकारक जो क्लॉट है उनको बनने से रोकते हैं। अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ही ज्यादा हाई रहता है तो ये आपकी जो ब्लड वेसल है यानी आपकी जो खून की नसें हैं उनको पतला बना सकता है। और कोलेस्ट्रॉल और TG का हाई लेवल कम करने से ही आपकी जो हार्ट डिजीज है उनकी संभावना कम की जा सकती है, क्योंकि यही फैट आपकी खून की नसों में जमने लग जाता है और आपके ब्लड का जो फ्लो है वो सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, जिससे आपके हार्ट पर दबाव पड़ता है और हार्ट को ब्लड पंप करने में काफी जोर लगाना पड़ता है और आपको हार्ट रिलेटेड समस्याएं होती है वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस ना हो उसके लिए आप TG और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने ना दें। जानते हैं इसके सावधानियों के बारे में, तो अगर आपको लीवर या किडनी डिजीज है या फिर आपको कोई भी सीवियर डिजीज है, साथ ही आप प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, तो इससे सभी कंडीशंस में इसका यूज करने से पहले आपकी जो भी कंडीशन है वो डॉक्टर्स को जरूर बताएं। डोज की बात करें तो इसे एक कैप्सूल दिन में एक बार आपको लेने को कहा जाता है। अलग अलग मरीज और उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका डोज चेंज हो सकता है, जो कि डॉक्टर डिसाइड करते हैं। जानते हैं इसके होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में, तो इसका जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है वो है ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ सकती है, पेट दर्द हो सकता है, अपच होना और आपको नाक से खून आ सकता है। हो सकता है आपको इनके अलावा कोई भी अदर कंडीशन क्रिएट हो। अगर ये साइड इफेक्ट लंबे टाइम तक बने रहते हैं तब ऐसे में आप इसका यूज बंद करें और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।